गे सोनावा जखनी तोरा मंगिया भर तौ पगला मरी जाये पर खंड खाती करेला लड़ाई हाँ। जिला पर खंड खाती करेला लड़ाई दुनु के अकेला जी हिलाई यार तोड़ी देवौ तोरा से आझ बचपन के प्रति रे हम कौची कलियो तोरा गे अखिया में लो रागे हम जिला सगरो हमरे चरचा बा। आज जब इस रास्ते से गुजर थे बगल में इनका गांव पड़ता है हम सोचे एक बार फिर राजू आजाद पासवान से मिला जाए कैसे है राजू जी जी बहुत अच्छा और भगवान से विनती करते हैं कि सब कोई ठीक रहे और के डीएल न्यूज जो भी देखते हैं सभी को मेरा दिल से प्रणाम है राजू पासवान को जो भी देखते हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद आप बोले हैं कि सब बेटा बेटा लेके गाना गा रहा है तो आप भी तो ला दिए राइफल लेके दो टान के गाना ला दिए तो हम कहो बेटा बेटी नहीं बोले हैं हाँ। है? हम रंगदारी दिखाए आप भी तो रंगदारी दिखाई दिए ना हमने गाया कि कि अरे हो या सगरो छा हाँ। जाएंगे हाँ देखिए प्रयास तो है हाँ, हाँ। रंगदारी हम लोग गायेंगे भी तो रंगदारी जैसा गाएंगे किसी को ये नहीं कि क्योंकि देखिए भैया हम लोग को हर समाज में जाना है हर समाज के लोग मुझे प्यार करते हैं। जी समझ गए हमारे साथ जब भी मिलेंगे आपको तो दूगो भूमियार तो दूगो यादव जी तब तो दूगो साहु जी सब रहते हैं हमारे साथ हाँ। सबके हम दिल पर राज करते हैं अभी कौन कौन से गाना आपका छूट रहा है पूरा मगिन सम्राट म्यूजिक देखते हैं उसके बाद गणपति इंटरटेनमेंट एकदम तो तालका मजा आ रहे हैं सम्राट से गाना सम्राट इंटरटेनमेंट एक नया चैनल आया है हाँ। गुरु जी का है उससे गाना मेरा छूटा है प्रखंड सगरो चर चा सबसे मस्त गाना आप लोग के आशीर्वाद से गणपति इंटरटेनमेंट से मेरा एक आया है साइड सॉन्ग है हिंदी टून है लड़का लड़की का मैटर है समझिएगा कि दिल चूर कहीं नहीं गे हाँ। और मजबूर कई नहीं गे हाँ। कहे हमारा सता वो ही हम कौची कौ कैलियो तो रागे। में देनी लो रागे हम कौची कैलियो तोरा गे में देनी लो रागे फिर मेरा ऑफिशियल चैनल पर सोनम जी के साथ मेरा गाना आया है जी खूब अच्छा गाना है पहले सोनम जी का लाइन है कि अरे तोड़ी दे तोरा से आजू बचपन के प्रति आ रे सखिया घरवा में गीतिया रे कल दुबरा बराती मोरा तोरे उसके बाद यहाँ से मेरा लाइन है हाँ। कि गे सोनावा जखनी तोरा मंगिया भरई तवी पगला मरी जाय तो गे जखनी तोरा मंगिया भर ई पगला मरी जयत ये गाना था लगातार बेबाफाई गाना गा रहे हैं क्या लग रहा है कि राजू आजाद पासवान जी का प्यार हुआ दिल टूट गया क्या अरे प्यार उ हमने कहियो किए हैं और नहीं हम भगवान से कहते हैं कि हमारा प्यार होवे अभी भाई गाना क्यों गा रहे हैं इंटरटेनमेंट है भाई लोग के दर्द मेरा दिल पर गुजरता है तो गा देते हैं हाँ कहीं ना कहीं छुपा रहे आप आपके गांव के भाई लोग हैं इसलिए छुपा रहे हैं आपको भी कहीं ना कहीं धोखा मिला होगा इसीलिए कोई धोखे में इतना दर्द वाला गाना गा सकता है जी ऐसे गा नहीं सकता है ये गाना मेरा गांव के भाई है संदीप बाबू यहीं पर है यही हाँ। लिखे थे इधर आइए हाँ। संदीप जी हाँ। और बहुत ही अच्छा से गाना लिखे थे ये बहुत दिन से कह रहे थे कि भैया ये गाना गा दोन गा दो हाँ। मैं गाया अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट में मार्केट में जी और देख रहे हैं, रंगदारी साइड सॉन्ग को ऐसा फनी गाना भी लाए हैं कॉमेडी गाना जैसे कि अमित आशिक लाते रहते हैं पूरा फनी फनी के गाना लाते रहता है ऐसा कॉमेडी आया है गणपति इंटरटेनमेंट से हाँ। कि ये बाबा अरे हथवा कर खा मेरा देख लीजिए हाँ। तो कैसा न मिलेगी हमारे पगली तनिशा तो देख लीजिए एक कॉमेडी गाना है इसका वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा देखिए हमारे साथ राजू आजाद पासवान जी है जो हर तरह के गाना गाते हैं शायद साइड सॉन्ग हो या कॉमेडी हो या फिर भक्ति हो या राजनीतिक का हो रामायण गवादी इनका हम लोग पर इंटरव्यू दिए थे कि हम ऐसा गायक वानी भैया हमारा रामायण गवादी महाभारत गवादी निर्गुण गवादी दुगोला गवादी दी छठियारी गवा मतलब कुछ हो गवा गा दीजिएगा आज हम लोग का दुगोला का ही प्रोग्राम है जमुई जिला जा रहे हैं हाँ प्रोग्राम है दुगोला का जम्मू में जी मतलब पूरा बिहार भ्रमण करते हैं हाँ पूरा बिहार झारखंड बंगाल तीनों जगह हम लोग का कार्यक्रम चलता है एकदम पूरा हाँ बिल्कुल दुगोला तो दुगोला स्टेज तो स्टेज और डे बाय डे श्रराध जो भी है सब प्रोग्राम चलते रहता है आप लोग के आशीर्वाद से अ, अ, लोग अगर कहते हैं कि राजू आजाद पासवान पहले आपका था कि गुंजन सिंह का अथी से वायरल हुए चिराग पासवान जी आए पहले क्या इतिहास था वो मतलब नहीं है लेकिन जब अब राजू आजाद पासवान कहीं जाते हैं तो क्या ये भी होता है कि पहले वाला याद आता है आदेश नहीं नहीं उस इंसान को कैसे भूलेगा आदमी जो मुझे रास्ता दिए हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं पर कर्तव्य कुछ अपना होता है है ना अब अगला तो रास्ता दे दिए अब हमको कैसे चलना है वो हमको देखना है ना तो मुझे सब जाति के लोग गाना बजाना में तो खैर जात है नहीं पहला नंबर है कि कलाकार एक जाति होता है समझे ना और इसको कोई जाति के माध्यम से देखता है तो ये गलत चीज़ है हम लोग एक कलाकार जाती हैं और हर जात के लोग मुझे प्यार करते हैं। आप कलाकार जाति से नहीं देखता भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अभी एक जातिवाद गाना लाए हैं, सुने हैं गाना वो? हम्मे किए हैं। और उसके बाद आपका गुरु गुंजन सिंह भी ला दिए तो हम तो सबके काट के हम अलगे गो लेकर आए हैं पता है क्या क्या गाना था खाती करेला लड़ाई खाती करेला लड़ाई दोनों के जी हिलाई दोनों के अकेला पसवान जी हिलाई तो जिला प्रखंड तो कहीं ना कहीं आप भी तो जातिवाद दिए है सबके लिए पसवान हम तो कुछ फॉलोवर है हमको भी तो आदमी कॉल करता है कि भैया आप भी ले आइए तो हमको सबसे हट के गाना है मतलब पब्लिक जो चाहेगी राजू आजाद पासवान वो गाएगा हाँ मेरा कमेंट में जो चीज़ आ जाता है कि भाई आप इस चीज को करिए या तो कॉल आ जाता है तो हम उस काम को करते हैं जनता जैसे मुझे गवा ले उस तरह से हम गाते हैं थोड़ा इधर आएगा धीरे धीरे दूर जाते जा रहे हैं आप। डर लग रहा का। का है कहा नहीं डरेंगे काहे तो इतना दूर यहाँ से हम थे वहाँ चले गए आदत हम लोग के मंच पर बोला नहीं सर टहल टहल के ऐसे ऐसे बोलना तब तो? अच्छा अभी आपका बहुत सारे वीडियो चल रहा है कि पहले चिराग पासवान गुंजन सिंह क्या लग रहा है आपके जिंदगी जिंदगी में गुंजन सिंह की कितनी भूमिका है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आज तक मैं जो कुछ भी हूँ बड़ा से बड़ा मंच चाहे बड़ा से बड़ा स्टूडियो में या गाना गाना या शूटिंग करना हम तो ये सब जानते भी नहीं थे हम तो काम करने वाले थे बाहर में भैया के ही देन है एक चीज़ और गुंजन सिंह बोले थे अपने मुंह से कि आज तक मघी के छोटे कलाकार को पवन सिंह का स्टेज पर नहीं गाया है हमारे राजू आजाद भाई है जो कि पवन भैया का आशीर्वाद मिला इनको इसमें कितनी सच्चाई है जी बिल्कुल पवन सिंह बिल्कुल बैठ कर सुने हैं मेरा गाना को बैठ कर सुने हैं पवन सिंह जी अपने हाथ से पुरस्कार भी दिए हैं हमको इस चीज़ को मैं कैसे भूल सकता हूँ मतलब हर क्षेत्र में आपका नाम आ रहा है क्या लग रहा है आने वाला समय में हाँ। राजू आजाद पासवान गुंजन सिंह के कोई मूवी या पवन सिंह के मूवी में काम करेंगे वो तो समय बताएगा कौन कहाँ जाएगा हम तो लुधियाना जाने के लिए निकले थे घर से कहाँ से कहाँ चले गए तो अभी इस लाइन में है तो देखिए भैया के आशीर्वाद रहेगा तो बहुत कुछ है हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद जाए जाते जाते हमारे दर्शकों के गौर प्यारा सा से हम संगीत सुना दीजिएगा भैया का ये गाना है जो कि मैं उतना सुर में तो नहीं गा सकता लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गऊं जवार हितनातिश्तेदारी माई बाबू बैद के दरद से उारी की मारेयार जेके इहा त सहारा बनल बा अगिया लगा दी अपना कोट में हजूर बोली दिल तोड़ला पर कवन धारा बनल बा बहुत अच्छा गाना है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखिए हमारे साथ राजू आजाद पासवान जी थे जो अपने गानों को लेकर पवन सिंह और गुंजन सिंह को लेकर चिराग पासवान जी पर लेकर गाना गाए और वायरल हुए आज जो बहुत बारूकी से अपने बातों को रखे इनके बातों से कितना सा मारता है अगर इनका गाना सुनते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इनका लगातार दो तीन चैनल से गाना आते रहता है कौन कौन से चैनल आता है गणपति इंटरटेनमेंट अभी सम्राट इंटरटेनमेंट सम्राट म्यूजिक वर्ल्ड अब आपका भाई का चैनल है राजू पासवान ऑफिशियल उस पर एक गाना है कि अरे बनो हो हीरो तो हो जाइत जीरो हाँ। जहिया उ हमरा भेटा जाइत गे हाँ। अरे यार वक्के अपन समझा ले गे जानू नवादा में कहियो पिटा जाइत गे और मैं भूल गया था ये गाना और मेरा आया है इस बार हाँ। गणपति से हाँ। हाँ। कि अरे फूल गुलाब के बांधी घूमो ही रोजे रोजे हर हाँ। कर में कहियो मडर करम्बर में जानू, तीन या बहुत अच्छा गाना है आप लोग गणपति इंटरटेनमेंट पर जाकर सुनिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस इनका बातों से कितने समर्थ है कॉमेंट में जरूर बताइएगा आप देख रहे थे सूरज कुमार जयी